सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से आर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 3 रुपए 50 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 146 रुपए 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो स्टॉक में क्लियर दिखाई दे रहेगा कि स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा, जहां पर स्टॉक के अंदर नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 138 रुपीज। 138 रुपीज स्टॉक ने 3 टाइम्स सेम प्राइस को रिटेस्ट करता है और थोड़े टाइम के लिए स्टॉक इसके पास कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया। जब यहां से स्टॉक में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी तो स्टॉक ने 156 रुपीस का ऊपर में एक हाई लगाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक में फिर से एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। अब स्टॉक के अंदर फिर से एक रुकावट रेंज बन चुका है ऊपर में 149 रुपीस। 149 रुपीस स्टॉक में एक शॉर्ट टाइम रुकावट रेंज है। यहां पर अगर स्टॉक एक बार इस प्राइस को ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक के अंदर ऊपर के टारगेट 156 रुपीस जल्दी अचीव होते हुए नजर आएंगे। अगर हम लॉन्ग टर्म की रैली की बात करें तो उसके लिए स्टॉक को 156 रुपीस के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो एक बार तो स्टॉक 156 रुपीस के प्राइस को रिटेस्ट करता है पर वहीं पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो जो आप स्टॉक के अंदर एक फ्रेश रुकावट रेंज है वो 148 रुपीस, वो 156 रुपीस है। एक बार स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग ले लेता है तो लॉन्ग टर्म के टारगेट अराउंड 180 रुपीस इस पॉइंट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, पर इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखना पड़ेगा। वही कंपनी के Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। अगर अनुमान के मुकाबले कंपनी के रिजल्ट थोड़े बेहतर आते हैं तो स्टॉक में नीचे लेवल पर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, पर जस्ट इसका उल्टा ये भी हो सकता है कि कंपनी के रिजल्ट पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेकार आए या फिर पिछले साल के मुकाबले भी बेकार आते हैं तो वहां पर भी स्टॉक के प्राइस में एक करेक्शन देखने को मिल सकती है। इसलिए इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस 138 रुपीज का रखें। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक को एक बार बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।